ये देखिए किस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपश्रीज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी कचौरियों में मोस्ट फेमस कचौरी, वो है राजस्थान का मूंग दाल खास्ता कचौरी। ये जैसे ही नाम है खास्ता, वैसे ही बिल्कुल खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेम्पटिंग मसालेदार होता है। इसमें मूंग दाल और कई मसालों का सम्मिश्र होता है, एकदम मुंह में पानी लाने वाला ऐसा ये कचौरी है। तो आज हम देखेंगे इस कचौरी को आप किस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस खस्ता कचौरी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेना है। एक कप मूंग दाल 2 घंटे तक पानी में सोक करके रखा था, भिगो के रखा था। फिर उसे अब मैं उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इससे पता चलता है कि हमारा मूंग दाल परफेक्टली सोक्ड है। और अब हम इसे मिक्सी में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, मतलब हमें इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है मैं, और ग्राइंड करते वक्त बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है और इस तरह से दरदरा पीस लेना है। पर एक बात आपको जरूर याद रखना है, अगर आपको 10 से 15 दिन तक ये स्टोर करना है तो लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप मसालों में जो हम लोग हरी मिर्च ऐड करते हैं उसके बदले में आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च पाउडर ऐड करें, और जो धनिया जो हरा धनिया जो हम डालते हैं वो भी आपको नहीं डालना है। इस खास्ता कचौरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाउल में लेना है 1.5 कप मैदा, और उसमें हमें डालना है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मसल कर हमें मिक्स करना है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अजवाइन तो आपको सबको पता ही है कि किस तरह से पेट के लिए लाभदायक है। और अब हमें कचौरी के कवरिंग के लिए आटा मून लेना है और नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है। और आपको उसमें ऐड करना है 4 टेबलस्पून देसी घी। एक इस घी के वजह से यह जो कचौरी है बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। अब हम आटा मूंद लेंगे, उसके लिए हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपने घी मेल्ट कर लिया तो उससे वो आटे में मिक्स होने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए आप भी घी को मेल्ट कर लीजिए। अब हम ये नमक और घी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे ये स्टेप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जो कचौरी बनेगी वो बहुत ही क्रिस्पी फ्लफी और खास्ता बनेगी। ये देखिए 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं घी और नमक इस आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप थोड़ा सा आटा लेकर हाथ में इस तरह से बना के चेक कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि यह परफेक्टली सब जगह घी लग चुका है। अब इसमें हम ग्रेजुअली यानी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए आटा सॉफ्ट आटा मूंद लेंगे। ये ना ही एकदम स्टिफ होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा मून लिया है, ये देखिए। आपको इसे ज्यादा बीट नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का सा ही मून के उसे आधे घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख देना है। हमें स्टफिंग के लिए इन सारे मसालों की जरूरत है। सबसे पहले हमें 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लेना है। तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, ये दरदरा पीसा हुआ धनिया, पीसा हुआ सौंफ, ये दरदरा पीसा हुआ काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
याद रखना यहाँ पर लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसलिए हींग ऐड करना मत भूलना। फिर इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और एक टीस्पून अदरक। मैंने यहाँ पर अदरक अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, आप इसे टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। बेसन से इस कचौरी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है, इसलिए हमें थोड़ा बेसन ऐड करना ज़रूरी है। इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद ऐड कर लेंगे ग्राइंड किया हुआ मूंग दाल। ये मूंग दाल को हम अच्छे से 5 मिनट तक इसमें फ्राई कर लेंगे इन मसालों में, जिससे कि मूंग दाल का जो भी कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा और स्टफिंग का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। इस मूंग दाल का पूरा कच्चापन निकलने के लिए 5 से 8 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली फ्राई करना है। हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 से 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसमें कसूरी मेथी भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कसूरी मेथी है उसे भी ऐड करना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे साइड में रखकर। इस तरह से डीप बॉटम कढ़ाई में हमें तेल गरम कर लेना है और इस कचौरी के लिए हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं लेना है, सिर्फ हल्का सा गरम हो जाए तब हम इसमें कचौरी ऐड करेंगे। अब हमारा स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे 6 से 7 गोले में डिवाइड कर लेंगे। 1.5 कप मैदा में बराबर 6 से 7 कचौरियाँ आप बना सकते हैं। अब हम कचौरियाँ बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें हल्का सा ही जेंटली रोल कर लेना है और रोल करते वक्त एक बात ज़रूर याद रखना, इसे साइड में थोड़ा सा पतला बेलना है और बीच में थोड़ा सा थिक रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस तरह से 1 चम्मच भरकर स्टफिंग भरना है और एंड्स को सब अच्छे से सील कर लेना है। और इस तरह साइड से रोल कर लेना है। ये देखिए अब हम इसे मीडियम हॉट तेल में तलेंगे। क्रिस्पी खास्ता कचौरी के लिए हमें लो फ्लेम पर ही तलना है और इसे ऊपर आने के लिए लगभग 1 मिनट तो लगता ही। अब 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कचौरी थोड़ा सा ऊपर अभी तैरने लगा है तेल पर। जब इस तरह से कचौरी तलकर ऊपर आ जाती है तब हम इसे इस तरह से फ्लिप करेंगे और नीचे के तरफ भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है, तो 1 कचौरी तलने के लिए लगभग 5 मिनट के से भी ऊपर लग सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सील कर लेना है ताकि ये तेल में फूटे ना।
इस तरह से हमें सभी कचौरियों को स्टफिंग से भरकर तलने के लिए रेडी करके रखना है। इस तरह से आपको सभी कचौरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और लगभग 5 से 8 मिनट तक लगते हैं गोल्डन ब्राउन होने के लिए। बाकी के सभी कचौरियां भी इसी तरह से तल के लेंगे और याद रहे हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें तलना है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तल के लेना है। तो ये रहे हमारे गर्मा गर्म खास्ता कचौरी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी है राजस्थानी स्टाइल मूंग दाल खास्ता कचौरी। तो इसे आप बिल्कुल गरम गरम खा सकते हैं। इसके लिए चटनी या सॉस किसी भी चीज की जरूरत नहीं, बस जब मन चाहे तभी आप चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक कचौरी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से क्रिस्पी बना है। आप इस कचौरी से चाट भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक साइड से इस तरह से, अब हम बनाएंगे कचौरी चाट। उसके लिए इस तरह से थोड़ा सा हमें तोड़ लेना है। इस पर हम ऐड करेंगे इस तरह से दही, उस पर ऐड करेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, ऊपर से थोड़ा सा तीखा पाउडर और ऐड करेंगे शेव और ये चाट मसाला। ये रहा कटोरी चाट, एंजॉय करने के लिए रेडी।